जॉन सीना का नया लुक आया सामने। महाबली शेरा ने WWE को कहा टाटा बाय बाय और ब्रॉक लेसनर को रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमन के खिलाफ लड़ने के लिए कितने पैसे दिए गए हैं जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइस सबसे पहले बात करी जाए 16-time वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना की। तो दोस्तों जॉन सीना ने अपनी बॉडी फिर से ट्रांसफॉर्म कर ली है। जॉन सीना हाल ही में दोस्तों ट्विटर के ऊपर एक्टिव नजर आए, जहां देर रात पोस्ट की गई इस पिक्चर के अंदर वो पहले से भी ज्यादा रिप्ड नजर आ रहे हैं। जॉन सीना दोस्तों अक्टूबर में होने वाले सुपर शोडाउन का हिस्सा होने वाले हैं, जहां वो अपने दोस्त बॉबी लैशली के साथ फेस करने वाले हैं केविन ओवंस और एलायस को। ऐसे में दोस्तों जॉन सीना अगर अपनी वापसी करते हैं तो वो काफी ऑसम नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जाने की। तो दोस्तों WWE से एक ऐसा रेसलर जा चुका है जिसके आने की उम्मीदें हमें काफी समय से थी। महाबली शेरा को दोस्तों WWE ने निकाल फेंका है। दरअसल महाबली शेरा NXT के साथ साइन थे, लेकिन मेन टेपिंग्स के अंदर वो कभी नहीं आए, यानी कि टेलीविजन के ऊपर हमने उन्हें कभी नहीं देखा, क्योंकि WWE उनके किरदार को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था। कोई भी किरदार उन्हें नहीं दिया गया और आज जब देखा WWE ने कि उन्हें उनकी कोई जरूरत नहीं है तो उन्हें बाहर निकाल फेंका है। अब शायद वो फिर से TNA में लौट जाए। वेल, यहां हम बात कर लेते हैं अब ब्रॉक लेसनर की। तो गाइस ब्रॉक लेसनर ने हेल इन अ सेल के अंदर अपनी वापसी की, ब्रॉन स्ट्रोमैन और रोमन रेंस की पिटाई की। साथ ही साथ वो अब एक इवेंट के लिए बुक हो चुके हैं जो कि सऊदी अरेबिया के अंदर होने वाला है, जिसका नाम आप भली भांति जानते हैं, यानी कि क्राउन जूल के अंदर। लेकिन आखिर WWE ने कैसे उन्हें मनाया, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल दोस्तों यहां WWE ने उनके सामने एक बड़ी रकम फेंकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार वो 7 figures मानी जा रही है, यानी कि दोस्तों करोड़ों में डील हुई है। यहां कोई एग्जैक्ट रकम सामने नहीं आई है, लेकिन साफ है दोस्तों यहां करोड़ों रुपयों की डील साइन की गई है ब्रॉक लेसनर के साथ, जहां दोस्तों वो एक ट्रिपल थ्रेट मैच का पार्ट होने वाले हैं। तो गाइज बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें यहां देखने को मिला, जहां ब्रॉक लेसनर जो कि UFC में जा रहे थे वो आ चुके हैं WWE के अंदर, क्योंकि वो UFC को अभी तक साइन नहीं किए हैं और WWE ने रख दी है एक बड़ी रकम ब्रॉक लेसनर के सामने। अब गाइज इस फाइट के अंदर क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको आज बताते हुए काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि दोस्तों आज मेरा बर्थडे है। आज मेरा यानी कि गौरव ठाकुर का जन्मदिन है और गाइज इसी खुशी में मैंने सोचा क्यों ना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया जाए अपने चैनल का। तो गाइज हम अब इंस्टाग्राम के ऊपर भी है हमारे चैनल का, अगर आपको URL चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप सीधे टाइप कर सकते हैं हिंदी WWE Gossips, हिंदी WWE Gossips, कुछ अजीब सा यूजर नेम है लेकिन गाइज हमें यही मिला, सो आप वहां मुझे सर्च कर सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो इतनी सी थी, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।